हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं लेट उठा हूँ, सो के बहुत 1 बज चुके हैं एंड 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरा चवड़ा टूटा हुआ था तो चबा नहीं पाता हूँ ढंग से, कुछ बना लेता हूँ खाने के लिए। खाने से पहले मैं इस स्माइल बोल से अपने आर्म्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ब्रेड ला दे थोड़ा सा, कितना पतलो हो। तो मैंने मैगी बनाया, मैगी बना के खा के सो गया। तो बारिश आ गई थी तो बारिश के मज़े ले रहा था बैठ के खिड़की के पास। दैन पनीर खाया, पनीर खाने के बाद मैं और ये और चाचा रेडी हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए। ये मेरी पैर की कंडीशन और ये मेरी रिपोर्ट सारा मेडिकल का। दैन और ये रहा मैं, वैसे धूप में गोरा दिखता हूँ ना। फिर ऑटो से निकले अपना हॉस्पिटल के लिए, ऑटो में बैठे एंड हाईवे पहुँचे। हाईवे पहुँचने के बाद फिर पहुँचे डायरेक्ट हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एंट्री की, एंट्री करते ही मेरा इलाज हुआ, पैर ठीक हुआ, चाचा दवाई ले रहे हैं। देन ये रहा हॉस्पिटल, ये दूसरा है, यहाँ दूसरी जगह चेकअप करवाना आए थे। ये देखो वास ले रहा है, अब वास ना चल। देन अब मैं बाल खुजा रहा था। शाम के टाइम एक्सरसाइज करने छत पे आया, छत पे आया तो देखो बारिश हो रही है, बूंदा बांदी हो रही है। अगर हल्का सी पट्टी पड़ा तो गीली हो गई, इसलिए यहाँ कुर्सी लगा के बैठ गया। बारिश जब तक छोटेगी नहीं तब तक बैठा हूँ, अगर बारिश तेज आई तो नीचे जाके फिर से अपना गीता पढ़ लूँगा। बारिश छोटी और इनका मैच चालू हो गया। मेरे पास फ़ोन पकड़ने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैंने अपने एक्सरसाइज खुद कर ली, वीडियो नहीं बनाई। तो गीता का आज तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक में ये कहा जा रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ऑलराइट, तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके जाना जरूर अगर चैनल पे नए हो तो, क्योंकि अब मेरा सोने का टाइम हो चुका है, 10 बज गए एंड दवाई मेरी चेंज हो गई है। दवाई सिर्फ एक सुबह खानी है और एक हफ्ते में एक बार खानी है, और एक दर्द होगी तब खानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।